हेलो हेलो डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं, थोड़ा 5-10 मिनट कम ही है। कोई सोकर नहीं उठा है, सब अपनी जगह सोया है। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर सुबह सुबह झाड़ू देने। मैं लाइट भी जलाने भूल गई हूँ और वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। किचन की खिड़की भी नहीं खोली है, तो एक बार अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ। और जब एक बार आप अच्छे से झाड़ू दे दीजिएगा साफ़ करके, तो फिर पोछा करने में आपको परेशानी नहीं होगी, अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो मैं इसी तरह करती हूँ एकदम आराम से। और अभी चूँकि न्यू झाड़ू है जो धनतेरस के दिन लिया, तो वॉइस ओवर करते समय रोने लगी, तो उसको फिर मैंने चुप कराया। तो पूरा क्लीन करके झाड़ू दे दिया है। और ये नया निकाली हूँ, ये जो मॉप्स होता है मैंने नया निकाला है, क्योंकि देखिए पोछा काम जो करती थी उनको तो पैसा देना ही होता था। तो ये 60-70 रुपये का एक आ जाता है कॉम्बो। मैंने अभी मंगाया नहीं है, ये जो पोछा के साथ आया था वही यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं इसका कॉम्बो मंगा लूँगी ताकि हर महीने चेंज करूँगी, तो भी मुझे सस्ता पड़ेगा और घर साफ़ रहेगा। इसमें क्या होता है, बाल वाल एकदम फंस जाता है तो पूरा गंदा हो जाता है, और मैं रोज़ इसको साफ़ करती हूँ। और जब एक बार पोछा दे देती हूँ तो मुझे शाम में भी जब मैं झाड़ू देती हूँ मेरा मन करेगा मैं पोछा दे दूँ, क्योंकि जब आप एक बार फ्लोर क्लीन रखिएगा तो आपका क्लीन रहेगा और बार बार मन करेगा पोछने का। लेकिन अगर 1-2 दिन छूट जाएगा तो फिर इतना गंदा हो जाता है, एक सर भारी हो जाता है और पोछा भी गंदा हो जाता है। और इतना सा काम तो अपना काम अपना करना ही चाहिए। और यहाँ पर पूरा पोछा करके मैं नहाने चली जाऊँगी, मैंने यही सोचा। लेकिन मैं नहाने जा ही रही थी तब तक ये उठे, बोले अब उठ गए तो बस अब किचन में अब लग जाइए। तो किचन में लग गई, चाय गर्म पानी किया, गिलोय एलोवेरा। उसके बाद बोले कि अब तुम अभी मत नहाओ, मैं जा रहा हूँ नहाने, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट आ गया है, मुझे भेज दो फिर तुम नहाना। फिर मैंने इनके लिए पराठा सब्जी बनाया और बेटा के लिए भी रख दिया। फिर बेटा को उठाया, मतलब लेट ही हो गया एक प्रकार से ये समझिए। तब फिर इनको ऑफिस भेजा, बेटा को नाश्ता कराया, उसके बाद खुद नहा के पूजा करने आई हूँ। पूजा करके मैं नाश्ता करूँगी, लेकिन अब समय ऐसा हो गया है कि बेटी को भी मसाज करके बेटी को भी नहलाना पड़ेगा। देखती हूँ अब मैं कैसे क्या करती हूँ। लगे हाथ अगर मैं उस समय नहा लेती, इनका मॉर्निंग शिफ्ट नहीं होता, तो मैं रेडी हो जाती, इनको भेजने के चक्कर में लेट हो गया। और देखिए बहुत तेज़ धूप आ रही है बालकनी से अंदर। और ये जो किचन में ये मैंने रखा था, ये जो आसमानी कलर का आप देख रहे हैं प्लास्टिक वाला रेक, लेकिन एक मैंने यहाँ पूजा घर में मैं लेकर आ गई हूँ। यहीं पर वो पूरा डब्बा छोटा था, एक में मिश्री है, एक में बतासा है, एक में पीला चंदन, रोली, कपूर, हल्दी, ये सारा चीज़। हल्दी का अभी मैंने हल्दी किसी डब्बे में नहीं रखा है, तो हल्दी के लिए एक डब्बा साफ़ करने के लिए मैंने सोचा है, छोटा सा मधु का डब्बा है उसमें रख लूँगी। तो सारा चीज़ उस पर अरेंज कर दिया, घी बत्ती है, सारा चीज़ उस पर है, तो उस पर रख दूँगी ताकि ये पूरा बिखरा ना लगे। और धूप स्टिक वगैरह साइड में रख दिया है, और रामायण वगैरह एक साइड रख दूँगी। और अभी माला वगैरह नहीं लाया है, जो कि लक्ष्मी जी का माला लाना है, जो सामने में आप तस्वीर देख रहे हैं। और कोई कोई कह रहा था कि आप तस्वीर पर आर्टिफिशियल माला नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इस पर पता करूँगी, और अगर चढ़ा सकते हैं तो फिर मैं लाऊंगी। और ये देखेंगे मैंने एक दीपक जला दिया है, ये दीपक मैं पूजा करने आती तो जला देती हूँ, तिल का तेल है इसमें, और ये हमेशा जलते रहता है, जब पंखा उनका कोई चलाए तब ये बुझता है, तो फिर शाम में मैं इसको जला देती हूँ और ये जलते रहता है। अगर शाम में तो एक धूप स्टिक जला लेती हूँ और चारों तरफ संध्या संध्या दिखा कर शंख बजा लेती हूँ, घंटी बजा लेती हूँ, क्योंकि शंख सुबह शाम बजना चाहिए। तो मैं निर्भर करता है कि मेरी बेटी जगी है कि सोई है। और मैं कोशिश करती हूँ, अब तो 5:30 बजे शाम हो जाता है क्योंकि ठंडा का मौसम आ गया है, तो मैं कोशिश करती हूँ वो जगी रहे, उसी समय मैं जल्दी जल्दी पूजा शाम का कर लेती हूँ। और अभी तो मेरी बेटी सोई है और बेटा नहा के आया है जिस तरह कि आपने देखा, तो अभी मैं शायद नहीं बजाऊंगी क्योंकि वो जग जाएगी। अब नाश्ता वास्ता करके तब मैं उसको उठाऊंगी। हेलो डियर, कैसे हैं आप सब, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अचीवमेंट इन ऑल में। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ, पूजा हो गया है, कुछ नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता तो बेटा भी कर लिया और मेरी बेटी नहा वहा के सो गई है। अब जब मेरी महारानी उठेगी तब तो भाई को घी ढारेगी। घी आज हम लोग में भैया दूज होता है, घी ढार होता है, आप लोग में कैसे होता है क्या होता है। और आज कद्दू का ज़्यादा नियम होता है, कद्दू का कम से कम चक्का भी आप बना दीजिए अगर सब्जी नहीं बना सकते हैं, या फिर कद्दू के फूल का भी आप चक्का बना सकते हैं, कद्दू के पत्ते का भी बना सकते हैं, साग का चक्का, बैंगन का, जो भी आप बना सकते हैं। मैं देखती हूँ अब कितना कुछ मैं बना सकती हूँ, क्या कुछ कर सकती हूँ। उनका तो मॉर्निंग शिफ्ट था, वो चले गए हैं, तो अब चलेंगे किचन कुछ नाश्ता करके, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मैंने धनतेरस का डाला हुआ है, उस पर अगर कहिएगा तो और डिटेल से मैं डाल दूँगी, पूरा कैसे क्या लेना चाहिए। और मार्केट जाने का भी सोच रही हूँ, कुछ सामान मुझे लेना है।
आज एक ब्लाउज भी मुझे बनाना है, देखती हूँ आप लोगों के साथ क्या कुछ शेयर कर पाती हूँ। चलिए डियर आगे लास्ट तक बने रहिएगा, मिलते हैं अब आगे। ये देखिए ये भिंडी का भुंजिया बन रहा है, इधर मैंने आलू बॉयल होने दिया है, कद्दू है, बैंगन है, साग है, ये सबका चक्का बनेगा, आलू गोभी की सब्जी। थोड़ा सा आलू पहले से बॉयल किया था सुबह नाश्ते के लिए, वो निकल गया मॉर्निंग शिफ्ट है, और थोड़ा सा आलू अभी कुकर में डाला है। इधर चावल और दाल मेरा रेडी हो गया, इधर घड़े में पानी है, और जो सब्ज़ी वगैरह लाए हैं अभी मैंने कुछ भेजा नहीं है। दो फूल गोभी लाए थे आज, तो कद्दू कुछ ज़्यादा ही महंगा था, तो यहाँ किचन आ गई हूँ, बहुत पहले आई हूँ, और बन गया है ये देखें, जैसे कि दाल चावल, ये आलू गोभी टमाटर की गीली सब्जी है, और ये भिंडी का भुंजिया है। ना बेटा मैं सब सिल के ठीक कर दूंगा, बाहर रखूंगा फिर सिल देना, फिर रख दूंगा। नहीं अभी बास्केट में, हाँ सही बात है, और उस पर भी आपका कपड़ा है ना, उस पर भी उस पर भी अपना कपड़ा सब लेके चलिए बेटा, एकदम गुड आइडिया है, सबको रख दूंगी बास्केट में आपका सारा कपड़ा। सुनो जो जो फटा है, जैसे कि मेरा ऑरेंज वाला फटा है ना, तो उसको बाहर रख दूंगा, जब तुमको सिलने का मन होगा ना अपने से, या मैं बोल दूंगा जब तुमको टाइम मिलेगा तो सिल देना, फिर मुझे दे देना तब मैं। अभी पहले सब बास्केट में रख दीजिए, फटा वाला जो है ऊपर रखिएगा, इसे इसे अलग से भी लेके जाइए आप अपना कपड़ा, जाइए। लौकी तो बस इतना सही लगा, और इसको अब रखना ही होगा, क्योंकि अभी अब ये खाना खाने आएंगे या नहीं मुझे नहीं पता है, अभी मैंने फ़ोन नहीं किया है, तो कल तो कद्दू भात हो जाएगा, फिर कद्दू खाएंगे नहीं, तो इसको तो रख दूंगी। और इतना बैगन भी बच गया, और सूजी मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, कहीं नहीं मिला, जबकि मैंने पूरा ऊपर देखी कितने अच्छे से साफ सफाई की हुई है, एक एक चीज़ देखी मैंने कितने अच्छे से रखा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी सूजी नहीं मिला। और ये छोटा छोटा चीज़ है जो कि सामने में है, जैसे हींग हो गया, जीरा वगैरह हो गया, इसको भी मैं अरेंज करूँगी, और उधर भी मैंने पूरा इस तरह से अरेंज कर दिया है, फिर भी सूजी खोजते खोजते मैं परेशान हो गई, लेकिन कहीं नहीं मिला। तुम्हारा कपड़ा मेरा छोड़ दीजिए, आप रेड वाले में बाबू का रखना चाह रहे हैं क्या? हाँ। तो चलिए बाबू का सेलेक्ट करके रेड वाले में रखिए। खराब करके रख देता है, इसीलिए उसका होमवर्क उसको बहुत ज़्यादा मिला हुआ है, 2 तारीख को उसका स्कूल खुलेगा, तो उसको मैंने पढ़ा दिया है, सुबह ही पढ़ा दिया है, चलते फिरते काम करने के दौरान मैं उसको पढ़ा देती हूँ, अब लगाया है उसको काम में। सुने मां, सर लगता था 1 तारीख को स्कूल खुलेगा। मैं देख लूंगी ना नोटिफिकेशन जब आएगा। ये छोटा सा मधु का डब्बा था, इसको साफ करके मैंने रखा है, इसमें मैं हल्दी रखूंगी, पूजा घर में गुरुवार को हल्दी का जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए मैंने उसको साफ कर लिया है। दिखाती हूँ क्या कर रहा है, मैंने क्या काम लगाया है। ये दोनों बास्केट मैंने निकाला है, एक जाने के समय खरीदा था और एक पहले से रेड वाला था, तो मैंने कहा एक में भाई का कपड़ा रखूंगी, एक में बहन का, तो ये सेलेक्ट किया है कि रेड लड़की के लिए होता है, मुझे ये ग्रीन वाला दे दो, तो उसमें सारा वो अपनी बहन का रख रहा है, न्यू ओल्ड सब मिला रहा है, छोटा बड़ा, बाद में मैं इसको साइड करके देखूंगी और इसमें अपना रखेगा इसको। हाँ ठीक है, इसको साफ करिए बेटा ग्रीन वाले को, वो अब नहीं है बाबू का, अब नहीं है, ये पैंट रहा। हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड बॉय, जाइए आप इसको पहले साफ करिए, 6 साल की हो गई है, इसको साफ करिए, 6 साल की हो गई तब ठीक, इसको साफ करिए ग्रीन वाले को।
गाड़ी उड़ी अपने रखना है, गाड़ी से ही तो पूरा घर भर जाता है। उल्टा करके इसको झाड़ दीजिए, डस्टबिन उल्टा किए थे। और यहाँ मैं किचन में देखना ही भूल गई कि क्या स्थिति है। हेलो, अभी समय लगभग 3 बज गया और मेरी बेटी सोकर उठी ही नहीं। मैं खाना पीना बनाकर ढक के रखी हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे भी भूख लगी। और ये देखिए उसके उठने का, और ये देखिए उसके उठने का इंतज़ार करते करते मैं यहाँ पर कपड़ा निकाल चुकी हूँ काटने के लिए। लाइट जलाइए तो बेटा, कपड़ा कटिंग। लेकिन इसको भूख लग गई, ये सोने चला गया, फिर इसको मैं उठा कर लाई। बेटा चलो, बोलता है क्या होता है ये घी ढारना, क्योंकि इसका पहली बार घी ढारना हो रहा है, इसकी बहन पहली बार इसको घी डालेगी। और ये समझ नहीं पा रहा है, इसको लग रहा है अच्छा अच्छा चीज़ बनाए खाना है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने लाइनिंग की कटिंग कर ली पूरी तरह से, मैं थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाती हूँ। ये देखिए लाइनिंग की कटिंग करके मैन फैब्रिक पे मैंने ये रखा हुआ है। और लास्ट में ये सोने चला गया था, फिर मैंने इसको कहा आप टीवी देखिए, और उठ ही नहीं रही है, पूरा नींद में सोई। अब मैं उसको उठाऊंगी तो रोने लगी। अब मैं जा रही हूँ पापड़ तलने के लिए, ये बोल रहा है मैं जोर जोर से गाड़ी चलाऊंगा तो खुद उठेगी। सर मेरी बहन अभी सो के नहीं उठी है, तो मैं माँ को बोल रहा हूँ उठाने, वो मैं उठाऊंगा तो माँ बोल रही है कि सोई है, रोने लगेगी तो। भूख से इसकी हालत खराब है, मुझे भी भूख लगी है। अब तो उसको उठाऊंगी, पहले मैं पापड़ तल लेती हूँ, तब देखती हूँ क्या होता है। घी नहीं डालोगी भैया कोई में, बहन तो रूठ गई है ले, बहन को क्या चाहिए भैया तुझ में, बहन को क्या चाहिए, ये तो रूठ गई है, इसको तो चाहिए झुमका, इसको तो चाहिए पायल, भैया तो जॉब करता ही नहीं है तो भैया कैसे देगा, बोलो बोलो। लास्ट में इसको उठाना पड़ा, अब ये उठा दिया है, अब इसको लेके चलेंगे। तब तक मैं खाना निकाल कर भगवान जी के आगे रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने सारा खाना, दाल चावल सब्जी चक्का वीरा पापड़ सलाद भुजिया पानी घी सब भगवान जी के आगे में रख दिया है। भगवान जी को कहती हूँ भगवान जी मेरे बेटा को दीर्घायु करिए, और इसी तरह से इस लोगों का ये त्यौहार चलते रहे, मेरी बेटी ससुराल में भी रहे तो उसको इतना संपन्न ससुराल दीजिए कि उसका पति उसको लेकर आए अपने, हर भैयादूज व्रत में उसका पति उसको लेकर आए। कितना अच्छा से भैया को कर दी ले, देखे अरे वाह, देखे गोल कर दे, अब देखो इसको पकड़ो, इमें पकड़ो, खाओ भैया, पहले तो मैं इसको खिलाऊंगा। देखिए बहन को, देखिए 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 बहन को, अभी उठी है, कितना भैया इंतजार किया, कितना घी खाने के लिए इंतजार किया भैया, अभी भैया को घी डालिए तो भैया खा रहा है। कायल लड़की, ये तो ससुराल जाएगी तो सोचिए ये कितना नखरा दिखाएगी, अभी जब ये भैया को इतना लेट तक भूखा लग दी तो छछुलाल से आएगी बेटा, उधर बोलो छछुलाल से आएगी मैं जल्दी जल्दी भैया को घी डालूं, इतना नाटक दिखाई तब ये भैया को घी खिलाई है ना, कोई बात नहीं, इतना अच्छा मौसम किया है।